हरे कृष्णा। तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे हमारा यहाँ पे सेंटर है, गौर निताई सेंटर, यहाँ पे कृष्ण भक्त प्रचार कर रहे हैं, और यहीं पे जिस बगल में कुछ लोग हैं जो कि शिव जी का भजन बजा रहे हैं। अच्छी बात है, बजाना ही चाहिए, भगवान का प्रचार होना ही चाहिए। और ये इतना जलते हैं कि यहाँ पे डिवोटी लोग ट्रिपल स्पीड में बोल रहे हैं कहा, और ये उससे पांचवें स्पीड में शिव जी का भजन बजा रहे हैं, ओम त्र्यंबकम, ये बजाओ, अच्छी बात है, बजाओ, बजाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। बट लोग, और सच बता रहा हूँ, डिवोटी जितना मेहनत करते, इतना मेहनत करते ना प्रचार करने के लिए, वो एक व्यक्ति इमेजिन भी नहीं कर सकता। वो एक घर में बैठ के कोने में उसको समझ में नहीं आएगा, जब जो ग्राउंड लेवल पे उतरेगा उसको समझ में आएगा कि कृष्ण भक्ति कितने मेहनत से होती है। अगर आप मेरे पीछे आवाज़ सुन पा रहे हो, आई डोंट केयर, मुझे कॉपीराइट आएगा तो, बट स्टिल अगर आप ध्यान से देखने बैठोगे तो लोग कितने तेजी से उसको बजा रहे हैं। पता नहीं किस बात की लोगों को चिड़ है, सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है इस बात की, या किस बात की चिड़ है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बट अगर हमारे आजू बाजू कोई भी अगर ऐसा भक्ति का प्रचार कर रहा है, तो हमें मेक श्योर करना चाहिए प्लीज कि लोग अच्छे से भजन करें, अच्छे से प्रचार करें। अदरवाइज सनातन धर्म का दुश्मन सबसे ज्यादा कौन है पता है? हम साले खुद हिंदू हैं। आई एम सॉरी, मुझे साला वर्ड यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि हम हैं इतने नीच, हम हैं, क्योंकि हमें नहीं देखा जाता कि कोई अच्छे से भगवान रामचंद्र का, भगवान कृष्ण का, भगवान शिव का अच्छे से प्रचार करे। हमें एक दूसरे से इतना चिड़ है। ये सो कॉल्ड लोग जो है ना, ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। वो खड़े होकर वहाँ पे सिगरेट पी रहे और इतने तेजी से भजन बजा रहे। हम कहीं कंप्लेन करने नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास जगन्नाथ है, ठीक है। जगन्नाथ जब रेलते हैं ना, तो अच्छे अच्छे के ना आवाज निकल आती है। और नरसिंह भगवान जब जिसको रेलते हैं ना, अच्छे अच्छे की आवाज निकल आती है। मुझे नहीं पता कि मेरा वीडियो उनके पास तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, क्या रिएक्शन होगा इस वीडियो का, आई डोंट इवन केयर। बट फिर भी बहुत गुस्सा आ रही है ये देख के, यहाँ पे कृष्ण भक्त इतना मेहनत कर रहे हैं और ये इस चीज को इतना वो कर रहे हैं। कोई नहीं, हम तो प्रचार करेंगे, क्योंकि हम तो शीला प्रभुपाद के बच्चे हैं, शीला प्रभुपाद हमारे दादा हैं। जब हमारे दादा ने इतना मेहनत किया है, तो पोता होने के नाते हम तो मेहनत करेंगे ही ना। अगर आप अपने आप को शीला प्रभुपाद का पोता मानते हो, अपने आप को आप सनातन धर्मी मानते हो, तो भैया प्रचार करो। अगर आप प्रचार नहीं करोगे ना, तो आप ही इस प्रचार के सबसे बड़े दुश्मन भी हो। इसलिए भगवद्गीता में भगवान बोलते हैं, देवम तुझा गुरु प्राज्ञा पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा से शारीरम तप उच्यते। शरीर की जो तपस्या है ना मेरे भाई, बहुत है। तो शरीर की एक तपस्या ये भी है कि हम बाहर निकले और बाहर निकल के जाके प्रचार करें। अगर बाहर निकल के हम प्रचार नहीं करेंगे सनातन धर्म का, तो सनातन धर्म ऐसे ही नाश हो जाएगा। अब आपके ऊपर है, आप नाश करना चाहते हो या इसको आगे बढ़ाना चाहते हो। हरे कृष्ण कृष्ण, वेलकम टू न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से भगवान कृष्ण के भक्त चौल में प्रचार करते हैं। मतलब शिल प्रभुपाद की इतनी कृपा है कि मैं आपको क्या बताऊँ, आप सिर्फ अपने आंखों से देखो, फिर आपको खुद समझ में आएगा कि भक्त लोग कितना मेहनत करते हैं। तो ये देख रहे हो, ये है श्री श्री गौर निताई सेंटर। यहाँ पे इतने सालों से भक्त लोग प्रचार कर रहे हैं। हरि बोल। भक्त लोग कितना मेहनत करते हैं प्रचार करने के लिए। यहाँ पे देखिए, चलो जगन्नाथ स्वामी की जय। भक्त लोग ना अभी नरसिंह भगवान का अभिषेक करेंगे। यहाँ देखो, और मुंबई से ना एक यात्रा निकलने वाली है 27 सितंबर से 4 अक्टूबर तक। तो आप में से अगर कोई आना चाहता है तो ये जो नंबर दिया है, अरे यार कलर तो चेंज हो जा, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके वृंदावन आ सकते हो। भक्तांगदं प्रणयते निकलाभिलासं पाठ्यैतमर्चितमनादिनन्तरूपं पाठ्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च अग्निमहिर्गगनम्बुमरुदिशश्च
राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजा यस्याग्रवर्णमपि संभृत कालचक्र गोविन्दमाय पुरुषं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि ऐसा स्थान है मतलब जहाँ पे किसी के पास समय नहीं है बट स्टिल श्रील प्रभुपाद की कृपा से भक्त लोग इतना मेहनत करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। यहाँ पे सच बताओ किसी के पास समय नहीं है तो व्यक्ति बैठ के एक मिनट भगवान का नाम ले ले। आप सोच ही सकते हो कि लोग कितना बिजी है बट लोगों ने ना वास्तव में इतने ग्राउंड लेवल पे मेहनत किया है और आज देखो यहाँ पे सेंटर है श्री राधा गौर नीता है। हाँ पहले इसके पहले केशवास नाम से था और इतना प्रचार कर रहे हैं हर एक घर में जाके आप देख सकते हो कि लोग किस तरीके से भगवान का नाम ले रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट और मैं चाहूँगा कि जब भी आप जिस भी एरिया में हो आप भी उस लेवल पर प्रचार करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भगवान के बारे में पता चले। छोटा सा बच्चा हरि नाम संकीर्तन की जय जय राधा माधवा कुंज बिहारी नारा हरे रूपा। मैं आपको बता नहीं सकता मेरा कितना खून खोल रहा है बट मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। बट फिर भी देखो यहाँ पे इतना तेजी से भजन बज रहा है। हाँ और यहाँ पे देखो सी अपने कृष्ण भक्तों को यार कृष्ण भक्त इज वेरी अमेजिंग सच बोल रहा हूँ। ये लोग हीरा है भाई और ये हीरा है क्यों किसी से जलते नहीं किसी से उनसे द्वेष नहीं है ठीक है किसी से द्वेष नहीं है सॉरी टू से बट सच में कृष्ण भक्त सबसे बेस्ट है क्यों क्योंकि वो वास्तव में ग्रंथों को पढ़ते हैं और वास्तव में अपने आप को सनातनी समझते हैं। यहाँ पे ऐसे नहीं इतने भजन बजाएं और बैठ के वहीं पे सिगरेट पी रहे हो। कोई कृष्ण भक्त को रोक सकता है क्या? कोई कभी नहीं रोक सकता। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहं। जय नरसिंह श्री नरसिंह जय जय नरसिंह प्रहलादेश जय पद्म ये व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ अपना भजन करना चाहिए अच्छे से ऐसा अगर जिसको लगता है तो अच्छी बात है बट उनको निकल के बाहर प्रचार भी करना चाहिए। हम जितना ज्यादा प्रचार करेंगे उतना ज्यादा श्रील प्रभुपाद खुश होंगे उतना ज्यादा हमारी गुरु परंपरा खुश होगी ठीक है। तो मेक श्योर आप प्रचार करते हो यहाँ पे भक्तों को प्रचार करने के लिए कितनी मेहनत है ना आप कभी सोच नहीं सकते हो।
कितना भक्त मेहनत करते हैं अलग अलग शहरों में, जितने लोग अपना प्रचार करते हैं ना उनका हैट्स ऑफ है। आप उन भक्तों से मिलो, उनको धन्यवाद प्रदान करो, उनको अप्रिशिएट करो कि वो इतना मेहनत करते हैं। हमें तो बड़ी आसानी से लगता है ना कि यार सब बड़े आसानी से हो जाता है, आसानी से कुछ भी नहीं होता। बोले जगन्नाथ स्वामी की जय।